चीज का मतलब क्या, क्योंकि स्वयंसेवी संस्थाएं बनाना तो आदमी चाहता है, लेकिन वो बनाए कैसे, स्वयंसेवी संस्था बनती कैसे है, क्या इसकी जो राज्य सरकार के किसी प्रावधान के थ्रू बनती है, केंद्र सरकार से बनती है, या किसी सीए के पास में और आपने गए और रजिस्टर करवा ली कंपनी, तो क्या एनजीओ इसके आप में अपना एक रजिस्ट्रेशन होता है, इसके अलग अलग प्रावधान होते हैं, वो सब कुछ? सो इसमें जनरली तीन तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती है। एक होता है ट्रस्ट। जी, ट्रस्ट में जनरली आपको दो लोगों की जरूरत होती है, दो लोग, कोई भी दो लोग मिलकर अपना ट्रस्ट बना सकते हैं। ये प्राइवेट ट्रस्ट है जो आप डिस्ट्रिक्ट सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाएंगे, आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे, आपको मिल जाएगा। अच्छा, इसी तरह से दूसरा होता है सोसाइटी। इसमें सोसाइटी में 7 या 8 लोग होते हैं, अलग अलग, टिपिकली अलग अलग स्टेट्स के लोग होते हैं। अच्छा, अलग 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 स्टेट्स के लोग होने चाहिए, और इसको आप जनरली नेशनल लेवल पर आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ जनरली। वैसे आप स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी करा सकते हैं, ऐसा कोई चैलेंज नहीं है। तीसरा है सेक्शन 8 कंपनी। ओके, सो वो कंपनी मतलब टिपिकल कंपनी होती है, बट कंपनी इज ए नॉन प्रॉफिट कंपनी होती है। तीन तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, तीनों के राइट्स एकदम बराबर है। अच्छा, एक ट्रस्ट भी नेशनल लेवल काम कर सकता है, सोसाइटी और सेक्शन 8 कंपनी तीनों कर सकती है। राइट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कोई भी चीज बना लिए। लेकिन चैलेंज कहाँ पर आते हैं, जब मान लो आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट उठाना चाहते हैं जी, और आपका सिर्फ ट्रस्ट है, और ट्रस्ट में आप और आपकी वाइफ या आपके परिवार के सदस्य मेंबर हैं, तो जो फंडिंग एजेंसी है वो आपको पैसा देने से हिचकिचाते हैं। अच्छा, तो इसके लिए वो चाहते हैं कि सोसाइटी अगर है तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें एक वोटिंग राइट है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है, लोग वोट कर सकते हैं। तो एक तो ये हो गया कि आपको कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बनाना है। ट्रस्ट का फायदा यह कि डिसीजन मेकिंग बहुत फास्ट हो, जल्दी हो जाता है, सोसाइटी में डिसीजन मेकिंग नहीं होती। तो हर किसी के फायदे और नुकसान दोनों हैं। तो ये तो हो गया हमें ऑर्गेनाइजेशन, हम क्या बनाए, हम कहाँ पर रजिस्टर, आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी करा सकते हैं, स्टेट और नेशनल। जो अपनी कंपनी की बात की, हाँ, सेक्शन 8 कंपनी है, उसको भी वही अधिकार होते हैं। कंपनी जैसे कि एक नॉर्मल कंपनी चलती है उसी तरह से चलती है, लेकिन जैसे नॉर्मल कंपनी अपना प्रॉफिट अपने घर पे जो शेयर होल्डर है ले सकते हैं, उसमें निकाल, इसमें से आप शेयर होल्डर पैसा नहीं ले सकते, लेकिन राइट्स सेम वही है इसके अंदर भी। जनरली सेक्शन 8 कंपनियां बहुत कम बनती है, अच्छा, होती नहीं है जनरली। अगर कोई कंसल्टिंग आप दे रहे हैं नॉन प्रॉफिट के से रिलेटेड, जनरली तब हम सेक्शन 8 कंपनियां बनाते हैं, अदरवाइज ट्रस्ट और सोसाइटी ही लार्जली प्रेजेंट होती है, सब प्रेजेंट होते हैं। शिक्षा और रोजगार में किस तरीके से ये कंपनियां जो हैं, ये जो आपने बताया ट्रस्ट है या सोसाइटी है, अभी इस तरीके की हम लोग देखें, अगर कोई ऐसा गणित हो जो कि देश भर में काम कर रहा है, इतनी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं और इतना उनका योगदान है, जिस तरह हम कहते हैं कि भी जीडीपी में इतना योगदान है, हमारे देश को आगे बढ़ाने में, शिक्षा में इतना योगदान है, तो उसका कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स अगर आपके पास में। हाँ बिल्कुल, तो एक तो मैं एक और चीज जो हम लोगों ने मिस कर दिया पिछले वाले पॉइंट में, आपने बोला डॉक्यूमेंटेशन। तो जनरली जैसे अगर आपको पता हो, हिंदुस्तान में कम से कम 30 लाख एनजीओस हैं। 30 लाख एनजीओस बड़ी संख्या है, और पूरे वर्ल्ड वाइड में अगर देखें तो 50 लाख से ज्यादा एनजीओस है, उनमें से 30 लाख हमारे यहाँ। अच्छा, 50 लाख में से 30 लाख हमारे यहाँ है। तो आप देख सकते हैं कि जितने मंदिर मस्जिद आप देख रहे हैं, गुरुद्वारे देख रहे हैं, स्कूल देख रहे हैं, कॉलेज देख रहे हैं, सब ठीक बात। लेकिन इसमें से अगर आप देखेंगे तो असली में एनजीओ जो है वो बहुत कम है, जो काम कर रहे हैं वो करीब 2-4-5 लाख ही है इस तरह से। और उसमें से भी डॉक्यूमेंटेशन में सबसे, अगर आप सरकार की कोई भी फंडिंग लेना चाहते हैं तो आपको नीति आयोग में रजिस्ट्रेशन कराना है, हर साल आपको एनुअल रिटर्न फाइल करनी है, आपको ऑडिट रिपोर्ट होना चाहिए, एफसीआरए का रिपोर्ट होना चाहिए। तो आप देखिए सिर्फ 84,000 एनजीओस ने अपने नीति आयोग में रजिस्ट्रेशन करा, मतलब 30 लाख में से हम लोग घटकर के 84,000 पर आ गए। तो सिर्फ 84,000 वो ऑर्गेनाइजेशन जो फंडिंग के लिए अप्लाई कर सकती है। अच्छा, सरकार के पास। तो एक तो एलिमिनेशन इतना वैसे ही हो गया। अब 84,000 में से भी देखेंगे तो कम से कम 50,000 ऐसे जो सीरियस नहीं है काम करने के लिए। अच्छा, आप देखेंगे 25-30 हजार एनजीओ ऐसे हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, और अच्छा काम करने के लिए उनका इंटेंट है और सीरियस है वो काम कर रहे हैं। तो ये मैं आपको फिगर बता रहा हूँ। इसी तरह से बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी जो नेशन वाइड, जैसे आप PMKVY प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इनके अक्रॉस इंडिया स्किल डेवलपमेंट सेंटर है विदाउट एनी फंडिंग, विदाउट एनी फंडिंग, गवर्नमेंट से कोई फंडिंग नहीं लेते, कॉर्पोरेट फंडिंग से काम कर रहे हैं। कई संस्थाएं हैं जिनके साथ हमारी पार्टनरशिप है, जिनके साथ हम काम करते हैं। इसी तरह से कई ऑर्गेनाइजेशन जो हेल्थ में बहुत अच्छा काम करते हैं, जैसे मैं अगर आपको बता दूं सर, पूरे हिंदुस्तान में करीब 50,000 करोड़ टॉप 100 कंपनीज का बजट है CSR का। 50,000 करोड़ का 15% महाराष्ट्र में खर्च होता है अकेले, अकेले महाराष्ट्र में 15% खर्च होता है। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र, बॉम्बे, मुंबई जो है हिंदुस्तान की
बिजनेस कैपिटल है, साथ साथ उधारा भी वही है, सारे सारे हेड ऑफिस वही है, तो हेड ऑफिस वही, तो पैसा भी वही खर्च होता है। दूसरे नंबर पर आपको बधाई में देता हूँ कि राजस्थान दूसरे नंबर पर 6% राजस्थान में खर्च होता है, क्योंकि बहुत सारे जो मारवाड़ी सेठ हिंदुस्तान से राजस्थान से निकल के जो अपना बिजनेस सेटअप कर लिया, वो चाहते हैं कि हम अपने गांव में काम, मन तो वही गांव में बसा हुआ है। तो आप देखेंगे बजाज जो है बहुत अच्छा काम सीकर के अंदर करते हैं। जी बिल्कुल ठीक, बहुत सारे अच्छे अच्छे ग्रुप से 6% राजस्थान में, अजीम प्रेम जी भी बहुत अच्छा काम करते हैं, बिरला जो है उनका बड़ा अच्छा काम है यहाँ पर। इसी तरह से थर्ड नंबर पे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना आता है, उसके बाद सबसे कम सीट्स में बाकी सारे आप 1% 0.1% इस तरह से है। तो अमाउंट इतना ज्यादा है, अगर हम सही ढंग से यूज करें, मैं आपको ये बता दूं, अगर जी हम अगर ईमानदारी से वो पैसा लगाने लगे तो अगले 10 साल के अंदर से हम लोग गरीबी मिटा सकते हैं, अगर ईमानदारी से। अच्छा स्टेटमेंट आपने, बड़ा स्टेटमेंट दिया है कहीं ना कहीं कि बिकॉज अगर हम इतने साल हो गए हैं हिंदुस्तान को आजाद हुए 1947 के बाद, अगर 2019 की बात करें 70 साल से अधिक हो गए हैं, गरीबी की बात आज भी होती है और कैसे मिटेगी इसकी बात भी होती है। और बड़ी अच्छी बात आपने कही कि अगर सही तरीके से जो कॉर्पोरेट फंडिंग या जो गवर्नमेंट फंडिंग या कुछ भी आपको मिल रहा है समाज से, उसका सही तरीके से उपयोग हो तो 10 साल में हम लोग इस चीज से निजात पा सकते हैं, रोजगार तो बढ़ना ही बढ़ना है, आराम से बिल्कुल बढ़ना है। प्रशांत जी एक बात और कि कोई व्यक्ति अगर चाहता है कि भाई मैं काम करूं, तो काम करने के साथ साथ में उसका अपना परिवार भी होता है, उसको अपने परिवार का पालन पोषण भी करना होता है, तो क्या उसका पालन पोषण वो नौकरी करते हुए करे या फिर एनजीओ में भी इस तरीके की कुछ एक ऐसे प्रावधान होते हैं कि वो पारदर्शिता रखते हुए भी अपने परिवार का पालन पोषण उसी एनजीओ के माध्यम से कर सकता है और कुछ गलत भी नहीं हो। बिल्कुल सही। देखिए मैं ये ना बड़ा सब्जेक्टिव होता है, लोग इसी से डरते हैं। एनजीओ जैसे ही हमने एनजीओ खोला, आप सोचो मैं इतने साल नौकरी करने के और करियर के एकदम पीक पर होने के बाद मैंने एनजीओ शुरू करा, तो लोगों का सवाल ये तो घर कैसे चलेगा। बिल्कुल, तो हर आदमी ये पूछता है, पूछना इसमें कोई गलत बात भी नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊँ स्वयंसेवी संस्था और एक कंपनी में अंतर क्या है। आप पतंजलि का नाम सर जानते हैं? बिल्कुल। पतंजलि कितनी बड़ी संस्था है, हजारों करोड़ का बिजनेस होता है, क्या उसमें एम्प्लॉय नहीं है, क्या उसमें लोग काम नहीं कर रहे, क्या उनको तनख्वाह नहीं मिलती है। इसी तरह से बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आपको काम करने की लोगों की जरूरत है, और लोग या तो आप उनको तनख्वाह दे के उनको रखो या फिर आप खुद काम करो कहीं आपको लगता है। ठीक बात है। तो कुछ काम ऐसे होते हैं जो आप ही कर सकते हो, कुछ काम ऐसे जो लोग कर सकते हैं, तो इसमें कोई ऐसी बुराई नहीं है कि अगर आप काम कर रहे हैं ईमानदारी से, मन लगाकर फुल टाइम आप दे रहे हैं, आप अपनी सैलरी रख सकते हो। अच्छा, और आप बस ये है कि आप अपनी जरूरतें उतनी रख सकते हो सैलरी, ऐसा नहीं है कि आपका ओवरऑल एनजीओ का टर्नओवर 50 लाख है और उसमें से 30-40 लाख रुपए आप अपनी तनख्वाह रख रहे हो, दैट शुड नॉट बी पॉसिबल। इसी बेईमानी के कारण से नाम जो है वो खराब होता है, वो नहीं खराब हो, इसके लिए आप लग्जरी जोन में मत जाइए, अपना कंफर्टेबल जोन रख सकते हैं, उसमें साथ साथ में लगातार बढ़िया तरीके से काम कर सकते हैं। आपने प्रशांत जी जो बताया कि राजस्थान में 6% जो है वो इतना अच्छा काम होता है, तो क्या शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में जो काम हो रहे हैं उसके परिणाम भी दिखने शुरू हुए हैं, जिससे हमें लोगों को ये प्रोत्साहन मिल सके कि हमें और काम करना चाहिए? मैं आपको शिक्षा के अंदर तो बहुत ही क्लियर विजिबल इम्पैक्ट देख सकते हो आप राजस्थान के अंदर, और एक अभी बीच में एक सर्वे रिपोर्ट भी आई थी नेशनल लेवल पर जिसमें राजस्थान शिक्षा में अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि राजस्थान के आप ज़्यादातर स्कूल्स में आप जाइए, ज़्यादातर में मैं आपको टिपिकली, मैं करौली जिले से आता हूँ तो करौली धौलपुर बारा ये 4-5 डिस्ट्रिक्ट्स आप छोड़ दीजिए जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिनको अति पिछड़ा डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर आते हैं, बाकी आप सीकर झुंझुनू और इन डिस्ट्रिक्ट्स में आप जाएंगे बहुत अच्छा आपको इम्पैक्ट मिला। हर एक 10+ जो स्कूल्स है उसमें सब में कंप्यूटर लैब्स हैं सर आज की तारीख में, हर एक जगह आप देखेंगे जो फैसिलिटीज हैं स्पेशली जो सिटीज के आसपास हैं जी, सब में आरओ वाटर सिस्टम्स मिलेंगे, ये तो मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, स्पोर्ट्स मिलेगा, अच्छी बिल्डिंग मिलेगी। एजुकेशन में भी बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो जो टीचर अगर उनके स्कूल में नहीं है जी, तो वो स्कूल्स में लगा के दे रहे हैं, जैसे अभी हम यहीं जयपुर के पास में 2-3 गाँव हैं, कलवाड़ा नेवटा, इन गाँव में मैंने देखा है कई संस्थाएं अपनी तरफ से टीचर स्कूल्स में लगा रही जिससे कि बच्चों को अच्छी क्लासेस मिले। कई संस्थाएं ऐसी हैं जो स्कूल आवर्स के बाद बच्चों को अपने यहाँ बुला के पढ़ाती हैं, तो शिक्षा में बहुत अच्छा इम्पैक्ट दिख रहा है, हेल्थ में भी फैसिलिटीज आप देख सकते हैं। रोजगार की जहाँ तक बात आती है, रोजगार एक ऐसा लॉन्ग टर्म सर है, वो है जनरली हम लोग इस फील्ड पर भी काम करते हैं जिसको करियर मेंटरिंग बोलते हैं,
बहुत सारी कंपनियां चाहती हैं कि इम्पैक्ट इमीडिएट आए, कि मैंने आज कुछ करा 3 महीने बाद मुझे रिजल्ट मिल जाए। रोजगार ऐसी चीज है जिसका रिजल्ट 4-5 साल बाद आता है। बिल्कुल ठीक। अब स्कूल में अगर आप किसी बच्चे को पर फोकस करना शुरू करते हो तो ग्रेजुएशन के बाद वो बच्चा एम्प्लॉयड हो जाएगा। सो अनएम्प्लॉयबिलिटी हमारी बड़ी प्रॉब्लम है, एम्प्लॉयमेंट इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। आप देखेंगे हमारे इंजीनियरिंग 80% से ज्यादा इंजीनियरिंग स्टूडेंट, मैं कम नंबर बोल रहा हूँ सर, ऐसे 90 से ज्यादा 80% बच्चे ऐसे हैं जो एम्प्लॉयबल नहीं है, मतलब जिनको कोई कंपनी नौकरी देना नहीं चाहती। वो मार्कअप लेवल उन्होंने क्रॉस नहीं किया है सर, क्योंकि वो बेसिक्स जो कॉलेज लेवल पर हमें करना चाहिए वो नहीं कर रहे। आप बहुत सारी यूनिवर्सिटी हमारे जयपुर में, आप में मतलब आई शुड से दैट भारतीय स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी स्विट्जरलैंड का फाउंडेशन है, उन्होंने शुरू किया है। आप उनके बच्चों को देखिए, वर्ल्ड क्लास बच्चे प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनके बच्चे 100% प्लेसमेंट ले, बहुत अच्छा काम। तो इसी तरह की बहुत सारी संस्थाएं हैं, हिमाचल एक ITI कॉलेज है हिमाचल में, बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। हम अक्रॉस इंडिया बहुत सारी ऐसे इंस्टीट्यूशन के साथ काम करते हैं जिनके रिजल्ट अच्छे हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे वहाँ जाएं पढ़ें और प्लेसमेंट लें। प्रशांत जी, जो आपने बात कही सारे के सारे, इसमें हम लोग ये भी देखेंगे, आपने अभी बात कही कि 3 अभी काम शुरू किया किसी स्वयंसेवी संस्था ने, 3 महीने के अंदर रिजल्ट नहीं दिखता, उसके लिए धैर्य रखना पड़ता है। किसी स्वयंसेवी संस्था को किन बातों का मुख्य रूप से ध्यान रखना चाहिए हर एस्पेक्ट में, कि वो एक सर्कल में क्या एकदम से ऐसा लगे कि भाई मुझे पूरे राजस्थान में काम करना है, मुझे पूरे हिंदुस्तान में काम करना है। कई बार एक मन में जोश आ जाता है और जोश में कई भी गलतियां हो जाती हैं, तो क्या होश ना खो दे कहीं जोश में देखने वाला, तो होश की कौन कौन सी बातें हैं जो आप बताना चाहेंगे? जनरली लोग ये गलती करते हैं, और आपने बहुत सही सवाल पूछा, मैंने भी ये गलती की थी सर, मैं आपको बता दूं। जब हम कॉर्पोरेट छोड़ के आए थे तो हमने देखा कि चलो हेल्थ कैंप भी लगवा लें हम जो है शिक्षा में भी काम कर लें, हम रोजगार में भी कर लें, कई सारी चीज़ें हम लोग करने लगे थे। लेकिन अब जब हम देख रहे हैं कि इसका रिजल्ट जो है नहीं निकल रहा है जी, रिजल्ट नहीं निकलने का कारण है कि आप फोकस नहीं कर रहे हैं। तो आपको फोकस करना बहुत जरूरी है। आप देखो, आपके पास अगर लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो आप थोड़े से स्कोप काम में लो, उतनी जगह आप काम करिए, और उतनी जगह अगर आप काम करेंगे तो आप रिजल्ट दिखा सकेंगे। तो आपके जो भी स्पॉन्सर्स हैं, जो आपके पार्टनर्स हैं, वो रिजल्ट देखना चाहिए। आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए एंड टू एंड रिजल्ट अगर आप दिखा रहे हैं। जैसे आपने अगर एक स्कूल को अडॉप्ट किया, तो स्कूल में आज बच्चों की संख्या 200 है, बिल्कुल, क्या आप अगले 2 साल के अंदर 400 स्टूडेंट्स कर सकते हैं? क्या प्राइवेट स्कूल के बच्चे छोड़कर आपके स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं सरकारी स्कूल में? यू कैन सी द इम्पैक्ट। एंड मैं बहुत सारे ऐसे स्कूल्स को देख चुका हूँ जयपुर के अंदर और जयपुर से बाहर भी, जहां पर संख्या आज इतनी ज्यादा हो गई उनकी लाइन लग जाती है एडमिशन के लिए जब एडमिशन प्रोसेस शुरू होती है, क्योंकि उनका रिजल्ट इतना अच्छा है। आप अजमेर रोड पर आप देखें, बुधिया देवी ट्रस्ट एक बहुत बड़ा संस्था है जो स्कूल चलाते हैं, तो उनका स्कूल बहुत अच्छा है, वो सरकारी स्कूल है। तो इस तरह से हमें लगता है कि हमें फोकस करना चाहिए और टारगेट एक, सिर्फ अगर आपका शिक्षा में एक्सपर्टीज है आप शिक्षा पर ही फोकस, शिक्षा पर ही फोकस, ये नहीं सब कुछ करने की जरूरत, आप सब कुछ नहीं कर सकते, ये भी मैं कर लूंगा, ये भी मैं कर लूंगा, इसको भी मैं कर सकता हूँ, कर तो आप सकते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन क्या आपको करना चाहिए, किसमें लगना चाहिए, वो थोड़ा सा हम लोगों को। और दूसरा सर मैं एक चीज और बताऊंगा आपको, अगर ये लगता है अच्छा ये डोनर इस चीज में पैसा दे रहा है तो वो भी प्रपोजल सबमिट कर दो, अच्छा ये डोनर इसमें काम करता है तो ये भी सबमिट कर दो, ऐसा नहीं करना। आप अपनी एक इमेज बनाइए कि आप सिर्फ और सिर्फ यही काम कर सकते हैं, या एक या दो काम है जिसमें आपकी एक्सपर्टीज है, सो दैट आपसे अच्छा कोई और काम नहीं कर सकता, तो आपका स्पॉन्सर आपको मिलेगा पैसे। प्रशांत जी, आपने जिस उम्र में काम शुरू किया उस उम्र में आपका ठीक था कि भाई आपने एक सही उम्र में शुरू कर दिया और आप कर सकते थे, लेकिन अब कई चीजें ऐसी भी हो जाती हैं कि एक आदमी अपना इंजीनियरिंग कर ही रहा है, उसने खत्म ही किया, अब उसके बाद में आपने तो फिर भी 15 साल का करियर ले लिया, आपने अच्छा कमाया भी होगा, दुनिया भी घूमी देखा भी होगा, एंजॉय भी किया होगा, उसके बाद में आपने किया। एक लड़का जो है वो अपने शुरुआती साल में ही लगना चाहता है एक बार, और दूसरा एक व्यक्ति जो है वो 50 साल क्रॉस कर चुका है, कभी भी किसी उम्र के किसी भी दौर में उसके मन में कुछ आ सकता है, 50 साल का व्यक्ति हो चुका है, 60 साल का व्यक्ति हो चुका है, वो तब करना चाहता है, इन दोनों के मध्य में आप कैसी बात देखते हैं, या फिर उम्र का एक दौर है कि अब आपको शुरू करना चाहिए तब नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ कहना चाहेंगे आप? ये बहुत अच्छा सवाल है, और हमारा एक प्रोजेक्ट अच्छा जिसमें हम बच्चे को क्लास 8th में ये बताना चाहते हैं कि तुम्हें लाइफ में क्या करना चाहते हो, कौन सी ऐसी चीज है जिसको करते करते आप थकते नहीं। जैसे कई लोग होता है कि जब मैं गेम खेलना मुझे बहुत अच्छा लगता है, कौन सा गेम खेलते हैं?
कि मुझे सर बैडमिंटन खेलना इतना अच्छा लगता है कि मैं हमेशा खेल सकता हूँ, या मुझे म्यूजिक बहुत अच्छा पसंद है, या मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, या मुझे इन्वेंशन करना बहुत अच्छा लगता है, तो उस बच्चे का अगर पैशन उसको पता चल जाए तो शायद ज़िंदगी में वो बहुत प्रोडक्टिव होगा, बहुत इनोवेटिव होगा। तो हम वही करना चाहते हैं। जो आपने सवाल पूछा है, मैंने 17 साल बाद किया था ये काम जी, मुझे लगता है मैंने बहुत लेट शुरू किया था ये काम। अगर मुझे मेरे बचपन में किसी ने बता दिया होता कि आपको सोशल सर्विस में जाना है तो आपको ये तरीका है काम करने का, अच्छा, तो शायद आज मैं लेवल बहुत आगे होगी। और इस एज पर आने के बाद डिसीजन लेना और डिफिकल्ट होता है क्योंकि आपके ऊपर लाइबिलिटीज बढ़ जाती है। बिल्कुल, आपने घर होम लोन ले लिया होता है, आपके बच्चे हो गए होते हैं, उनकी पढ़ाई, सो आपके मंथली एक्सपेंसेस बहुत बढ़ जाते हैं। उस टाइम पर आप छोड़ोगे, आप सोचोगे एनजीओ शुरू कर लो तो शायद मुश्किल है, लेकिन अगर आप इस चीज को अर्ली एज में शुरू करते हैं, या कोई भी मैं बोलता हूँ बिजनेस आप करते हैं जी, मैं पर्सनली एनजीओ को एक बिजनेस की तरह ट्रीट करता हूँ। मतलब आपका पैशन उतना ही होना चाहिए जितना आपका बिजनेस व्यापार में जितना व्यापार होना है। ऐसे ही अगर आप करेंगे तो समाज में आप रिजल्ट, आप वहां पैसे कमा रहे हैं, आप रिजल्ट दिखा रहे हो, कम्युनिटी में वैल्यू दिखा रहे हो, तो वो अगर आप दिखाएंगे तो आपको फायदा होगा। तो एक तो ये चीज, दूसरा अगर आप 50 साल के बाद हिंदुस्तान में ट्रेंड है तो जब मैं थोड़ा सा भक्ति करूंगा, भोजन करूंगा, ये समाज की वो गलत डिसीजन है, मेरा ऐसा अनुमान है। क्योंकि जब उस एज में आके आपके शरीर के अंदर एनर्जी नहीं रहती और आपके मन में तो इच्छा होती है लेकिन आप दौड़ भाग नहीं कर सकते उतना, तो नहीं कर सकते तो आप उतने प्रोडक्टिव भी नहीं रहोगे। तो आप उस एज में आकर आप लोगों को गाइड करो, आप मेंटर बनो, जैसा कि हमारे आश्रम है चार, संन्यास आश्रम है आप लोगों को, तो आप अर्ली एज में आप शुरुआत करो, खूब मेहनत करो, 30-35 साल तक, 40 साल तक ऐसी उम्र होती है आपकी मेहनत करने की, उसके बाद आप लोगों को बताओ, आपसे अच्छा लोग करने लगते हैं काम। अभी जैसे मैं आज जो काम कर रहा हूँ, हो सकता है नई जनरेशन के बच्चे आएंगे मुझसे अच्छा काम करेंगे, अच्छा, तो मैं उनके ऊपर फोकस ज्यादा करूँ, उनसे काम करूँ। प्रशांत जी, ये डिजिटल इंडिया का दौर है, तो क्या स्वयंसेवी संस्थाओं को न केवल ग्रासरूट लेवल पर काम करने के पर फोकस करना चाहिए बल्कि उसके साथ साथ में अपने काम को दिखाया भी जाए, क्योंकि जितना दिखाया जाएगा, जितना बताया जाएगा, लोगों के मन में भी आएगा अच्छा ये काम भी होता है, ऐसे होता है, तो हमें भी थोड़ी प्रेरणा मिलेगी करने की। तो डिजिटलाइजेशन का किस तरीके से उपयोग किया जाए, लोगों तक पहुंच बढ़े, न केवल भारत के कोने कोने में बल्कि विदेशों तक भी पता लगे कि भारत में स्वयंसेवी संस्थाएं कैसा काम कर रही है। आपने बहुत सही सवाल पूछा है। डिजिटल इंडिया या डिजिटल ले लीजिए या सोशल मीडिया ले लीजिए, स्वयंसेवी संस्थाएं कोई भी नहीं बच सकती इससे, और जिसने इसका सही यूज किया उसका लाइफ बहुत फास्ट चलने वाला है। हम हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो अच्छा काम कर रही है, आप व्हाट्सएप यूज करिए, आप अपने जितने लोग हैं सबको इन्फॉर्म करो आपने ये काम किया है, तो जितना ज्यादा आप इन्फॉर्मेशन दोगे, लोगों के साथ शेयर करोगे, उनको पता चलेगा कि आप अच्छा काम कर, तो जो हो सकता है आज आपके साथ नहीं है आपके साथ कल जुड़ेगा। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। मैं जब फिलीपींस से इंडिया आया था, मैंने 750 लोगों की लिस्ट बनाई थी सर, मैं फिलीपींस में टाइम बहुत होता था कि भाई मैं जब इंडिया जाऊँगा तो 100 रुपये भी एक आदमी देगा तो 750 × 100 करो तो आप सोचो कितने रुपये होते हैं, सब बिग अमाउंट, और हर साल इतने पैसे मिलेंगे, खूब समाज सेवा कर सकेंगे। बट मेरा वो जो मिथ था वो टूट गया, 750 में 7 लोग भी नहीं आए जी मेरे पास, मतलब 7 लोगों ने भी सपोर्ट नहीं करा, लेकिन ऐसे 70 लोग आ गए जिनको मैं दूर दूर तक जानता नहीं था, जब हमने काम किया हमारे साथ जुड़े तो लोग आ गए। तो आप सोशल मीडिया, आप ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जितने सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप, सभी का उपयोग करें, सभी के उपयोग के बाद में आगे बढ़े। मुझे लगता है कि कार्यक्रम अपने अंतिम दौर पर पहुंच चुका है, और आपका कोई संदेश हमारे दर्शकों के लिए बहुत थोड़ी मगर आप देना चाहें। मैं स्पेशली स्वयंसेवी संस्थाओं का प्रोग्राम है तो उन्हीं को देना चाहता हूँ, आप जितना ट्रांसपेरेंसी से काम करेंगे, आप जितना ईमानदारी से काम करेंगे, हिंदुस्तान उतना ही आगे बढ़ेगा, आप भी आगे बढ़ोगे। चलिए बहुत बढ़िया प्रशांत जी आपने बताया, और मैं मुझे याद आता है वो शेर कि मैं अकेला ही चला था जाने भी मंजिल, मगर हम सफर आते गए और कारवा बनता गया। तो चिंता की कोई बात नहीं है, लोग आपसे जुड़ेंगे, जो आपने प्रशांत जी ने भी बात कही कि 750 नहीं 7 ही जुड़े, और लेकिन 70 वो जुड़े जिनसे आपकी जान पहचान नहीं थी, तो आपके परिचय लोगों की लिस्ट में अच्छे लोग वो भी हैं जो शायद आपको जानते ही नहीं है, धीरे धीरे आएंगे, आप कर्म करते जाइए, फल की इच्छा थोड़ी सी कम रखिए। आज के कार्यक्रम में इतना ही, प्रशांत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद पधारने के लिए। थैंक यू, नमस्कार।